बहुत सुंदर मूर्ति है, वो दिव्य है और भव्य है। सिर्फ भव्यता नहीं है, इसमें दिव्यता है, वो हमारा आराध्य देव है। ये तस्वीर देखी और बहुत सुकून मिला है और हृदय क्रंदन करने लगा, आंखें भर आई थी जब ये देखा सारी चीजें और बहुत अच्छा लग रहा है, सुकून मिला। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में अब कुछ ही दिन बाकी रह गए। इस बीच एक फोटो जमकर वायरल हो रही है जो है अंदर राम मंदिर की, जिसके अंदर एक मूर्ति रखी हुई है। उस मूर्ति की तस्वीर मैं आपको पहले दिखा देती हूँ, ये वो तस्वीर है। अब हम लोगों से ये पूछने जा रहे हैं कि इस तस्वीर को लेकर, इस तस्वीर से बहुत सी भावनाएं जुड़ी हैं, आप मान सकते हैं बहुत से लोगों के इमोशंस इस तस्वीर से जुड़े हुए हैं। आज हम राम जन्मभूमि में खड़े होकर पूछेंगे कि वो इस तस्वीर को लेकर क्या कहते हैं। तो चलिए लोगों से बात कर लेते हैं, लोगों से एक दो सवाल करते हैं, उन्हें तस्वीर दिखाते हैं और पूछते हैं कि इस तस्वीर पर उनकी क्या राय है। हेलो भैया, कहाँ से आए आप? पाली राजस्थान से हैं। पाली राजस्थान से, अभी आपने तस्वीर देखी? जी बिल्कुल, ये तस्वीर देखी और बहुत सुकून मिला है और हृदय क्रंदन करने लगा, आंखें भर आई थी जब ये देखा सारी चीज़ें और बहुत अच्छा लग रहा है, सुकून मिला। बहुत देर कर दी हमने भी आते आते और भगवान को लाने में बड़ी देर कर दी हमने, लेकिन एक बहुत अच्छी दिली तमन्ना हुई और जो ख्वाहिश थी बरसों से, जो 500 सालों से हमारे पुरखों ने, पूर्वजों ने जो त्याग और बलिदान दिया था, और हम बड़े सौभाग्यशाली कि हम यहाँ पर आए हैं और इसका हिस्सा बने, इसको देख पा रहे हैं हम अपनी नज़रों से। आप बताइए, आपने रामलला की, मतलब राम जी की तस्वीर देखी है? अभी देखी, अभी हुई दर्शन हुए मुझे, मेरा भी सौभाग्य है कि इतना खूबसूरत, मतलब हम उनके दर्शन कर पा रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। मैं उत्तराखंड से हूँ, उत्तराखंड बद्रीनाथ से आई हूँ और इतना सुकून और इतना, मतलब इतनी खुशी है अंदर से कि क्या बताएं। कैसी लग रही है ये मूर्ति है जो अंदर महल में पहुँच चुकी है राम जी की? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। तो लोग देख रहे हैं बहुत खुश हैं, मतलब लोगों ने ये तस्वीर जो देखी है राम जी की, उसे लेकर काफ़ी सारे लोगों के इमोशन देखिए। वहाँ पे बहुत सारी औरतें जा रही हैं, उनसे पूछते हैं कि उन्होंने ये तस्वीर देखी नहीं देखी, क्योंकि तस्वीर अभी अभी आई है तो ज़्यादातर लोगों ने नहीं देखी है। हेलो मैम, कहाँ से आ रहे हैं आप? हम लोग यही अयोध्या धाम के। अयोध्या धाम के, आपने ये तस्वीर देखी है? हाँ, राम जी की तस्वीर अभी अभी आई है। बिल्कुल, बहुत सुंदर है, 500 वर्षों का इंतज़ार है जो कि पूरा हुआ और ये हम लोग के समक्ष जो है प्रस्तुत है, अपने राजमहल में पहुँचे हैं, बहुत बड़ी खुशी है हम लोगों के लिए। ये अभी अभी सोशल मीडिया पर आई है, ये अंदर की मूर्ति है जो रामलला, मतलब राम जी जो अंदर विराजमान हुए हैं उनके महल में, उनकी मूर्ति है। टीवी के माध्यम से देखा अभी, लेकिन जो वहाँ पे अभी जो है जब तक शायद। मैं आपकी तस्वीर दिखा रही हूँ, तस्वीर को देख के कैसा लग रहा है? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है और बोले श्री राम भगवान की जय। बेटा आपने तस्वीर देखी? देखिए ये भगवान जी हैं जिनके दर्शन करने आप अंदर गए थे, अभी जब मंदिर खुलेगा तो ये मूर्ति दिखाई देगी आपको। कैसी लग रही है? अच्छी है। कौन है ये? राम जी। राम जी हैं ये, तो ये राम जी की नई तस्वीर है, सोशल मीडिया पे भी वायरल हो रही है, अच्छी लग रही है। तो देखिए बच्चों को भी पता है कि ये जो तस्वीर है ये श्री राम की है और ये अपने महल में जा चुके हैं, अपने महल में पहुँच चुके हैं। और भी लोगों से पूछते हैं? मैम बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए खुशी देखिए, मतलब तस्वीर से मैंने बताया चला कि ये सोशल मीडिया पर ये उन्हीं की तस्वीर है। हम लोग तो मैम दर्शन भी करके आ गए प्रभु के और नए वाले जी के 23 तारीख को फिर दर्शन करेंगे। मैम 23 तारीख को इनके दर्शन करेंगे आप, जिनके दर्शन में अभी आपको फोन पे करा रही हूँ। चलिए आप देखिए ये तस्वीर, आप भी सोशल मीडिया पे बहुत है, अभी आप शेयर कीजिए अपने व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे, लोग शेयर कर रहे हैं तस्वीरों को और उनको पता नहीं था, जैसे ही उन्हें पता चला कि हाँ ये जो है ये वही मूर्ति है जो अंदर पहुंच चुकी है, उस मूर्ति को देखने के बाद, इस तस्वीर को देखने, उनकी स्माइल देखी थी आप लोगों के चेहरे पे ना, उनके चेहरे से पता चलता है कि वो कितने सालों से इस चीज़ का इंतजार कर रहे थे, कितने सालों से, कितने वक्त से इस चीज़ का वेट कर रहे थे। मैं और भी लोगों से बात करके बताती हूँ। अंकल आपने तस्वीर देखी? जी नहीं। ये तस्वीर रामलला की जो मूर्ति स्थापित होने वाली है, हाँ जी, वही है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कैसा लग रहा है तस्वीर? बहुत देखे? अच्छा लग रहा है। कितनी सुंदर मूर्ति आप देखिए, बहुत सुंदर मूर्ति है, वो दिव्य है और भव्य है। सिर्फ भव्यता नहीं है, इसमें दिव्यता है, वो हमारा आराध्य देव है। सोचिए ये बोल रहे हैं कि ये दिव्य है, ये भव्य है, ये इसमें सिर्फ भव्यता नहीं इसमें दिव्यता है। ये तस्वीर अपने आप में परिपूर्ण करती है अयोध्या को। आप कहाँ से आए सर? गुजरात। गुजरात से। आपने तस्वीर देखी? पहली बार देखी है, लेकिन हमारी ये अभी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा वही मूर्ति है। हाँ ये वही मूर्ति है, इसकी ये पहली, इनकी ये पहली तस्वीर अभी सामने आई है और लगातार सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। तस्वीर पे कुछ कहेंगे? तस्वीर का मीन्स आज तक कभी किसी ने रामलला का ऐसा दर्शन नहीं किया होगा, वैसी प्राण प्रतिष्ठा इस मूर्ति में होने वाली है और ये मूर्ति इतनी दिव्य है कि आपको भव्य ओरिजिनल मीन्स आपको साक्षात राम का दर्शन हो जाए, उतनी दिव्यता इस मूर्ति में चढ़ी हुई है। अब इन बच्चों से पूछ रहे थे, मेरे बच्चे बड़े एक्साइटेड है इस तस्वीर को देखने। आपने तस्वीर देखी? नहीं नहीं देखी। चलो ये तस्वीर देखो। हाँ। देखो 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 देखो
बहुत सही लग रहा है। कैसी लग रहे हैं? बहुत सही लगता है। बहुत सही लग रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। राम जी आ रहे हैं, इतनी बड़ी मूर्ति लग रही है। इतनी बड़ी होगी ना? हाँ, अब ये तो पता चलेगा कितनी बड़ी होगी। बहुत सही लग रहा है। दर्शन करने जाओगे अंदर? हाँ जाएंगे। तो श्री राम, अभी तुम सबको श्री राम का नाम लगा रहे हैं। अभी चंदन लगाएंगे, जब आ जाएंगे तो चंदन छोड़ देंगे उसके भरोसे में। अरे वाह, भगवान के भरोसे चंदन छोड़ दोगे? और अपना दूसर कमाई पकड़ लेंगे। अरे वाह वाह वाह, तो ये श्री राम की तस्वीर देख के तुम्हें बड़ी खुशी हो रही है? बहुत खुश हो। फाइनली भगवान श्री राम आ रहे हैं। आएंगे कांदी, अब आएंगे हमको पता नहीं है। क्यों नहीं पता है? अभी आने को पता है, योगी मोदी को पता है श्री राम कब आएंगे। 22 तारीख को आएंगे। हाँ, कमाने भी नहीं देंगे वो। योगी मोदी भी आएंगे और श्री राम भी आएंगे 22 तारीख को, क्या कहोगे? देंगे श्री राम को जय हो। श्री राम को जय हो। अगर बाई चांस पीएम मोदी से कुछ कहना हो तो क्या कहोगे? कहेंगे कि तुम लिया, बहुत सही लग रहा है मंदिर। अच्छा, तो वो आ गए तो मंदिर बन गया। और सीएम योगी के लिए क्या कहोगे? योगी आदित्यनाथ जानते हैं हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री हो, पूरा मंदिर वंदिर जो है बनवा दिए, वही बनवा दिए। तो क्या कहोगे अगर सीएम योगी मिलते तो क्या कहते? कहेंगे तो तुम्हारा धन्यवाद। तुम्हारा धन्यवाद, सीएम योगी को धन्यवाद कहते तुम? कब से ये तिलक लगा रहे हो? एक महीना। कितने महीने से? एक महीना से। एक महीना से। बहुत सारे लोग लगवाते होंगे तुमसे? हाँ, बहुत लोग लगवाते हैं। अभी हमने बहुत सारे लोगों से बात करी और उनसे पूछा कि वो इस तस्वीर से कैसे लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। वो इस तस्वीर को ना सिर्फ दिव्य बल्कि भव्य बता रहे हैं। इस तस्वीर से लोगों की आस्था, लोगों की भावनाएं, लोगों का मन जुड़ा हुआ है। इसी वजह से इस तस्वीर की एक अलग अहमियत है, अलग मान्यता है। तो ऐसे ही हम लोग और भी खबरें आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।